अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल हैं आप सबके। वेलकम बैक टू माय चैनल यमनाज़ लाइफस्टाइल। और क्या हाल हैं आप सबके, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। काफ़ी दिनों से कोई व्लॉग शेयर नहीं किया क्योंकि आजकल मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रही हूँ। वीडियोस जो हैं वो कब से शूट करके रखी हुई हैं। तो ये छोटा सा एक क्लिप है रमज़ान का, जो कि हमने अपनी नानी के घर में इफ्तारी की थी। इफ्तार पार्टी थी तो रोल, समोसे, छोले, दही बड़े, फ्रूट चाट एंड मच मोर। मुझे तो अभी देख कर ही मुँह में पानी आ रहा है। रमज़ान तो अल्हम्दुलिल्लाह गुजर गया, काफ़ी दिन भी हो गए। मैं अब कुछ आज मुझे टाइम मिला तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोग के साथ शेयर करूं। आप लोग मेरा टाइटल देख के समझ तो गए होंगे कि इस वक्त हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो जी हाँ, हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल की तरफ, क्योंकि मैंने आपको जैसे कि टाइटल में बताया है कि हमारे घर आई एक नन्ही परी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरे मामू के यहाँ एक छोटी सी नन्ही परी आई है, मामू के यहाँ बेटी हुई है माशाल्लाह से। तो हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल उसको देखने। हॉस्पिटल जो है वो नाज़माबाद की तरफ था, हमदर्द हॉस्पिटल। तो ये हम आ चुके हैं हॉस्पिटल की तरफ। काफ़ी सख्ती थी कोरोना वायरस की वजह से, लोग जाने नहीं दे रहे थे, लेकिन हम दुबई जैसे तैसे चले ही जाते हैं तो लिहाजा हम चले ही गए अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह से ही हम सब काफ़ी टेंशन में थे क्योंकि जो है वो मामी अर्जेंट ही हॉस्पिटल गई थी, एमरजेंसी हो गई थी। और तो डॉक्टर ने कहा बस फौरन आप आ जाएं और फौरन ही हमें केस करना पड़ेगा। तो सब टेंशन में थे, दुआएं कर रहे थे कि बस अल्लाह ताला खैर की खबर सुनाए, खैर व आफियत से अल्लाह ताला फारिग करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने माशाल्लाह से खुशी की खबर सुनाई। और माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरे मामू की यहाँ बेटी हुई है बहुत प्यारी सी, जिसका नेम रखा है मनाल। बहुत ही प्यारा नाम है मनाल माशाल्लाह से। और इतनी प्यारी माशाल्लाह से छोटी सी, छोटे छोटे से हाथ, छोटे छोटे से पैर, इतनी हसीन। बस ये एक नीचे अंकल बैठे हुए थे, उनकी वीडियो शूट करना मैं बिल्कुल ही भूल गई, वरना मैं आपको दिखाती। इतने खड़ूस अंकल थे, वो तो जाने ही नहीं दे रहे थे हम लोगों को, कह रहे थे नहीं बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, कोई भी नहीं जाएगा देखने। लेकिन हम लोग ने अंकल को किसी ना किसी तरह करके पटाया कि अंकल प्लीज़ प्लीज़ अंकल हमें जाने दें आप, और हम लोग बहुत दूर से आए हैं। तो खैर अंकल मान गए। और जी हाँ है मेरे जो ये मेरी मामी शो कर रही थी हम लोगों को, शॉपिंग इन्होंने करी थी न्यू बॉर्न की। तो इतने प्यारे प्यारे माशाल्लाह से बच्चों के कपड़े देखकर ही दिल खुश हो जाए, इतने हसीन। देखें आप छोटे छोटे से कपड़े देख के मुझे इतना इतना अच्छा लगता है, बच्चों की चीज़ें देख के बहुत प्यार लगता है। ये देखें छोटे छोटे से कपड़े, और ये बीबी वाइप्स, सोप, लोशन और बीबी ऑयल वगैरह, हर चीज़। बच्चे की तो हर चीज़ की तैयारी करनी पड़ती है, हर चीज़ लेनी पड़ती है छोटी छोटी सी। ये बेबी पाउडर। और जी बस यहाँ हंसी मजाक चल रहा था, बातें चल रही थी, और ये हम सब चीज़ें देख रहे थे, बच्चे के कपड़े और ये पैम्पर वगैरह, हर चीज़ लेनी पड़ती है, हर चीज़ की तैयारी करनी पड़ती है। तो जी हाँ, पहले से बैग भी रेडी करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें देखें आप माशाल्लाह से कितने प्यारे लग रहे हैं छोटे छोटे कपड़े। और जी छोटी छोटी सी बच्चियाँ बैठी हुई हैं, मेरी कज़न्स हैं, ये मेरे बड़े मामू की बेटियाँ हैं। देखें ये रैपिंग शीट्स, ये बनियान, सब चीज़ें माशाल्लाह से कितनी प्यारी लगती हैं बच्चों की छोटी छोटी सी। तो मैं ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो मेरी मामी मुझे दिखा नहीं थी। मैंने उनसे परमिशन ली, पहले मैंने कहा मामी मैं रिकॉर्ड कर लूँ यूट्यूब पे डाल दूँ, कह लेंगे हाँ कोई ऐसा मसला नहीं है, तुम रिकॉर्ड कर लो डाल देना। तो ये छोटी सी बच्ची हेरा है, इसको इतना शौक है व्लॉग्स बनाने का, कहती है कि यमुना आप ही प्लीज़ मुझे मेरी वीडियो बनाए। और ये वाला जो कहता था ये इतना प्यारा था, ये कैरी बेबी को उसमें डाल के आराम से कैरी भी कर सकते हैं, ये चेज़अप से लिया है। और ये वाला हमजा मदर केयर से लिया है, बहुत ही प्यारे प्यारे से इन लोगों ने और कपड़े वगैरह शॉपिंग किया है। और ये जी क्यूट सा बच्चा जो ये अम्मार है, इसकी इतनी प्यारी प्यारी बातें हैं माशाल्लाह से। जा रहे हो एक मिनट के हमारे ये बोल दो, ये बोल के दिखा दो पानी नहीं पीता पानी तो हमारा पानी पीते और जी हाँ लग चुका है खाना, जिसमें डिलीशियस यमी बहुत मज़े की माय फेवरेट बिरयानी
और चिकन कढ़ाई एंड कीमा। बहुत ही ज़बरदस्त खाना बना हुआ था, बहुत टेस्टी, यकीन करें इतना मज़े का कि मज़ा ही आ जाए। और मुझे मैं वीडियो देख रही हूँ तो मुझे इतना मेरा दिल चाह रहा है कि मैं दोबारा से खाऊं। चलें जी, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग का। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।